कांग्रेस नेता शशि थरूर ने योगी कैबिनेट के कुंभ में स्नान करने पर यूपी सरकार को निशाने पर लिया। शशि थरूर ने योगी कैबिनेट की स्नान वाली फोटो ट्वीट कर लिखा कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं, जय गंगा मैया की। तो शशि थरूर ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और एक ट्वीट किया है। दरअसल योगी कैबिनेट के कुंभ में स्नान करने पर यह निशाना साधा गया है यूपी सरकार पर। शशि थरूर ने योगी कैबिनेट की स्नान वाली फोटो ट्वीट की है और लिखा है कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं, इस संगम में सब नंगे हैं, जय गंगा मैया की। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ था जब यूपी कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर हुई थी और कल कुंभ में ये बैठक हुई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादियों को सीरिया से एक महिला हैंडल कर रही थी, जिसे हनी ट्रैप के तौर पर प्लांट किया गया था। खबर है कि इसी महिला हैंडलर के इशारे पर आईएसआईएस के संदिग्ध भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। पिछले दिनों एनआईए की छापेमारी में पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादियों के लैपटॉप और मोबाइल से कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी 10 संदिग्ध एक दूसरे के संपर्क में रहकर आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। खबर है कि इन संदिग्ध आतंकवादियों की सीरिया में बैठी एक महिला हैंडलर थी, जिसे हनी ट्रैप के तौर पर प्लांट किया गया था। ये महिला हैंडलर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से रोज रात को चैट करती थी। सबसे आखिर में पकड़ा गया एक संदिग्ध तलहा पोट्रिक साल 2014 से एक आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। ये सभी पानी की टैंकी में जहर मिलाकर घरों में सप्लाई होने वाले पानी से एक साथ कई लोगों को मारने का प्लान बना रहे थे।